अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू नट वर्ल्ड। सो गाइस, आज से मैं ये चैनल पे रूबिक्स को कैसा सॉल्व करेंगे उसके वीडियो डालूंगा मैं इंशाअल्लाह। सो पूरे टोटल 8 स्टेप्स रहते 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के। सो उससे पहले आपको मालूम चाहिए कलर्स। वाइट के पीछे येलो रहता, ब्लू के पीछे ग्रीन रहता और ऑरेंज के पीछे हमारा रेड कलर रहता। तो ये आपको पहले याद करने का रहता है। याद करने के बाद फर्स्ट स्टेप है हमारा डेजी कैसा सॉल्व करते हैं। सो पहले आपको वाइट के पीछे येलो कलर के पास जाना पड़ता, फिर आपको यहाँ वाइट कलर का प्लस बना रहता है, इधर वाइट, इधर वाइट, इधर वाइट, इधर वाइट। तो वो कैसा बनाते हैं मैं आपको बताऊँगा। सो लेट्स गो। सो गाइस, अब हम लोग को सॉल्व करना है डेजी। तो डेजी सॉल्व करने वाला हम लोग को यहाँ वाइट प्लस लाना है, येलो यहाँ बीच में रहता ना। सो वाइट के पीछे येलो रहता, तो यहाँ हमें वाइट कलर का प्लस बनाना है। सो वाइट कलर का प्लस बनाने पहले आपको ये बीच का लेयर देखना है। यहाँ देख सकते हैं आप, इधर वाइट है सो इसको ऊपर ले लीजिए। फिर आप यहाँ देखें, यहाँ नीचे है सो इसको आप यहाँ टर्न कर दीजिए। फिर यहाँ टर्न करें तो ये इधर आ जाता। सो आपको इस तरफ टर्न करके इधर ऊपर ला लेना है। अब यहाँ ऊपर है, इधर है, तो सेम आपको यहाँ से टर्न करके फिर आप इधर ऊपर ला ले तो यहाँ बन जाता। सो अब ये नीचे है तो बस ऐसा कर दीजिए तो आपका डेजी बन गया। अगर आप इसे स्क्रैम्बल करके फिर कर सकते हैं तो आप रेडी है सेकंड स्टेप कैसा सॉल्व करना है। सो अल्लाह हाफिज़ गाइस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। आई विल सी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।